नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी के में दोस्तों आईसीआई बैंक की ईकेवाईसी कैसे करनी है और सभी के एपीएस के लिए दोस्तों ईकेवाईसी करना बहुत ही अनिवार्य है। जब तक दोस्तों आप लोग अभी एक ईकेवाईसी नहीं करेंगे तो दोस्तों आपका पोर्टल वर्क नहीं करेगा। तो मैं इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस के साथ आपको स्टेप बाई स्टेप आपको जानकारी देने वाला हूँ कि ईकेवाईसी किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने टेक्निकल रंजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर लें ताकि दोस्तों सही पैसे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू सही पे। तो दोस्तों सबसे पहले आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन सही पे का पड़ा है उसको अनइंस्टॉल कर लेंगे। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको प्ले स्टोर पर चले आना है। प्ले स्टोर पर दोस्तों आप यहां से सही पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आपको सही पे का यहां पर नाम दिखाई देगा और इसी को आपको यहां से डाउनलोड कर लेना है क्योंकि दोस्तों एप्लीकेशन अपडेट हो चुका है। तो आपको इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे ये दोस्तों डाउनलोड होता है मैं आपको इसको ओपन करके भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आज इस वीडियो में आप ईकेवाईसी वो भी दोस्तों खुद के मोबाइल से करके अपना पोर्टल चलाएंगे। तो दोस्तों तो यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कंडीशन अलाउ पूछेगा, आपको इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों अभी आपका एप्लीकेशन यहाँ पर दोस्तों खुल जाएगा और कुछ इस प्रकार का यहाँ पर फीचर्स दोस्तों न्यू एप्लीकेशन में भी आ चुका है। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर ऑलरेडी है वे सही पे अकाउंट साइनिंग लिखा होता था लेकिन नीचे आप देख सकते हैं घोषणा। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन कंपनी ने दिया है क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट कंपनी अब ये बन चुकी है। आप दोस्तों इसमें दिल लगाकर काम कीजिए, आने वाले समय में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और जो शर्तें यहाँ पर दी गई हैं दोस्तों उसको आप जानकारी पढ़ने के बाद ही आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन करना है और इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। अब यहाँ पर मैं दोस्तों साइनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो हमारा अकाउंट बना हुआ है उसी को मैं दोस्तों यहाँ पर इसको दोस्तों ओपन कर लेता हूँ यूजर आईडी और एम पिन डाल के। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सही पे के डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ और हमें दोस्तों ई के वाई सी का ऑप्शन कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बताते देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर ए पी एस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा कंप्लीट द बायोमेट्रिक के वाई सी टू द एक्सेप्ट बैंकिंग सर्विस। तो आपको स्टार्ट बायोमेट्रिक पर क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर आधार नंबर पूछा जाएगा। अब यहाँ पर हम अपना आधार नंबर फिलअप कर देते हैं। आधार नंबर फिलअप करने के बाद दोस्तों स्कैनर फिंगर पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी बायोमेट्रिक जो डिवाइस है वो आपको चल जाएगी। आपको यहाँ पर थंब लगाना होगा। थंब लगने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर लोडिंग डाटा आ जाएगा लिखा हुआ और ये सक्सेसफुल हो जाएगा। आपकी यहाँ पर डिटेल शो की जाएगी। डिटेल शो होने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ आएगा, थैंक यू योर कंप्लीटिंग द बायोमेट्रिक केवाईसी। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा केवाईसी हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है बायोमेट्रिक अथॉरिटी, क्योंकि मैं अभी फिर दोबारा से एपीएस वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो बायोमेट्रिक अथॉरिटाइजेशन। तो दोस्तों जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर से ही दोस्तों ये लॉगिन होगा। अब ये दोस्तों इस पोर्टल में कोई फ्रॉड या किसी भी तरीके की कोई तीसरा बंदा यहाँ पर दोस्तों इसको यूज नहीं कर पाएगा। अथॉरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर एक बायोमेट्रिक जलेगी और जिसके नाम से दोस्तों आईडी बनी हुई है उसी का यहाँ पर फिंगर लग के और वो अपना यहाँ पर टिम पिन डालकर दोस्तों इसको ओपन करेगा। तो यहाँ पर हमने टिम पिन डाला तो यहाँ पर लिखा आ चुका है अथोरिटिकेशन सक्सेसफुल नाउ अब कैन बी यूज बैंकिंग सेक्टर। तो दोस्तों अब आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जाएंगे तो आपके ये फंक्शन यहाँ पर खुल जाएंगे। आप यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे कि मैं आपको अब दिखा देता हूँ, पहले यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी नहीं हो रही थी कि बिना केवाईसी के, लेकिन अब यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी, बैलेंस विड्रो जैसी सर्विस जो आप यूज कर रहे थे पहले वो सेम टू सेम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों सभी प्रकार की यहाँ पर सर्विसें एक्टिवेट हैं। आप दोस्तों बहुत ही आसानी से यहाँ से कार्य कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ई के वाई सी यहाँ पर आपको करके दिखाया है। आप दोस्तों इसी तरीके से अपने मित्र या आप दोस्तों एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर भी आप अपने रिटेलर को समझा दें कि इस तरीके से ही आपको ई के वाई सी करना है। तो मैं यहाँ पर फिंगर दे देता हूँ। फिंगर देने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी हो चुकी है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर पोर्टल वर्क कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस टेक्निकल रंजी चैनल से जुड़े रहिए।